सो फेस्टिवल जिनका इंतजार पूरे साल हमें होता है वो बिल्कुल आ चुके हैं और ऐसे में किचन में कुछ अच्छा बनते रहना बहुत जरूरी है। नवरात्रों में व्रत हम सभी रखते हैं अपने घर में और ऐसे में कुछ नवरात्र वाला खाना भी टेस्टी टेस्टी डिलीशियस बनना बड़ा जरूरी है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज आलू की सब्जी और जो व्रत वाला आटा होता है उसके साथ हम पूड़ी बनाने वाले हैं। सो इसी तरह की कुछ अच्छी डिश आज हमारी किचन में हम रेडी करने वाले हैं। सो आप देखते रहिए मेरे सारे वीडियोस और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो मैं जरूर चाहूंगी आप सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक करना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके अलावा जो मेरा पेज है भावना चौधरी के नाम से उसे आप लाइक भी कर सकते हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम ट्विटर पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए आलू की सब्जी और साथ में व्रत वाली पूड़ी आज तैयार करेंगे हम अपने किचन में। सो दही वाली व्रत की सब्जी और साथ में व्रत वाली पूड़ियां हम यहाँ पर बनाएंगे आज अपने किचन में, जिसके लिए हमें क्या क्या चाहिए एक बार देख लेते हैं। सो आलू की सब्जी जो हम बनाने वाले कर्ड के साथ, तो यहाँ पर मैंने चार छोटे साइज के आलूओं को अच्छे से बॉईल कर लिया है, पील करके हाथों से ही इनको मैश कर लिया है। कर्ड मैंने आधा बोल भर के यहाँ पे लिया है दही, और इसके अलावा हमने मसालों में लिया है आधी चम्मच जो मसालदानी वाली चम्मच होती है उससे लाल मिर्च पाउडर और साथ में आधी चम्मच जीरा पाउडर, ये हमने लिया है सेंधा नमक यानी व्रत वाला नमक रॉक सॉल्ट, और साथ में दो टेबलस्पून भर के चीनी यहाँ पर हमने लिए क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा खट्टा मीठा होना चाहिए, और साथ में ताजा हरा धनिया। और चलिए अब दिखा देती हूँ आपको मैं पूड़ी के लिए मैंने कौन कौन सा आटा लिया है। तो यहाँ पर ये मैंने लिया है राजगीरे का आटा, ये है हमारा कुटू का आटा, और ये जो है ये है सिंघाड़े का आटा। ये तीनों आटा जो है ये मैंने 50-50 ग्राम लिया है। प्लेन पूड़ी खाई जाती है राजस्थान और मालवा में दही वाली व्रत की आलू की सब्जी के साथ। तो चलिए अब तैयारी शुरू करते हैं बनाने की। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आलू की सब्जी व्रत वाली हम बना रहे हैं उसमें तड़का लगाते हैं। तो तेल ले लिया यहाँ पर हमने 3 टेबल स्पून भर के, और साथ में इसमें हम मसालों के अंदर डालेंगे सिर्फ जीरा और लाल मिर्च, और अब सीधे आलू, और अब जाएगा इसमें पानी। और अब इसमें जाएगा सेंधा नमक। सो अब यहां पर हम चीनी ऐड कर देते हैं और अच्छा सा उबाला आने देते हैं इसमें, क्योंकि आलू तो ऑलरेडी पके हुए हैं बॉईल करके हमने डाला है। तो यहाँ पर अच्छा सा उबाल आ गया है हमारी व्रत वाली आलू की सब्जी में, और अब हम क्या करेंगे, गैस को कर रहे हैं बंद, और बंद गैस में ही हमें यहाँ पर डालना है ये कर्ड, और अब इसको कर देते हैं मिक्स। बहुत यमी लगती है ये कर्ड वाली आलू की सब्जी, और अब इसमें जाएगा फ्रेश धनिया। तो खूबसूरत यहाँ पर दही वाली आलू की सब्जी बनके रेडी हो गई है। तो ये 3 तरह का आटा हमने लिया है प्लेन पूड़ी बनाने के लिए, तो सारा का सारा परात में डाल लेती हूँ। सो अब इसका डो तैयार कर लेते हैं यहाँ पर, और ये हम तैयारी कर रहे हैं व्रत वाली प्लेन पूड़ी बनाने के लिए, और इन पूड़ियों को हम शुद्ध देसी घी में डीप फ्राई करने वाले हैं। अच्छा सॉफ्ट डो तैयार करना है, इतना सॉफ्ट आटा हमें तैयार करना है। सो हाथ में हल्का सा घी ले लीजिए क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है ये आटा, तो हल्के से घी के साथ इसको अच्छे से वापस से अच्छे से मसल लेना है इसे, ताकि ये हाथों में चिपकेगा नहीं बिल्कुल। सो पूड़ी की लोई हम यहाँ पर बना रहे हैं क्योंकि पूड़ियां थोड़ी सी छोटी बनती है। सिंघाड़े का आटा पॉलिथन में हमने यहाँ पे लिया है, इस तरह से हमें बनाना है पूड़ी। सो चाहे तो आप इसको बेलन के साथ बेल के भी बना सकते हैं, हाथ से थेप के भी आप इसे बेल सकते हैं। घी में हम इन्हें डीप फ्राई कर रहे हैं, दोनों तरफ इनको टर्न करना है और अच्छा पिंक पिंक गुलाबी गुलाबी कलर आने तक अच्छे से तलना है। तो यहाँ पर गैस की जो आंच है उसको हमने सिम पे रखा हुआ है, और दूसरी वाली जो पूड़ी है हमारी वो बनके रेडी हो रही है। तो ये हमारी खूबसूरत फूली फूली पूड़ी बनके हो गई है रेडी, और अगली पूड़ी जाने के लिए है कढ़ाई में भी रेडी। ये देखिए, वाह खूबसूरत।
सो व्रत में ये मालवा राजस्थान में बहुत ज्यादा बनने वाली डिश है जिसको खाया जाता है दही वाली आलू की सब्जी के साथ। ये फूली फूली पूरी भी अब हम निकाल लेते हैं। सो ये एक और खूबसूरत पूरी यहाँ पर मेरी प्लेट के अंदर आ चुकी है। वाओ, हमारी ये वाली पूरी भी एकदम फूल चुकी है, पिंक पिंक गोल्डन पिंक कलर। और ये देखिए अभी आंच यहाँ पर फुल पे हमने रखी है, तो थोड़ा सा फुल पे थोड़ा सा सिम पे रखना बहुत जरूरी है। सो ये करारी अच्छी बढ़िया पूड़ियां बनके रेडी हो गई हैं। वाह यम्मी। तो चलिए हम इन पूड़ियों को प्लेट में अच्छे से सजा लेते हैं। यहां पर एक और पूड़ी हमारी जा चुकी है कढ़ाई के अंदर। ऐसे दबाते हैं ना, हल्का हल्का प्रेस करते हैं तो वो फूलने लग जाती है। सो ये एक और फूली फूली पूड़ी तरह से हल्का तिरछा करके निकालना है ताकि सारा का सारा ऑयल नीचे रह जाए। और ये अगली पूड़ी भी हम डाल देते हैं कढ़ाई के अंदर और इसको हम शिफ्ट कर देते हैं अपनी प्लेट के अंदर। वाओ व्रत वाला ये खाना अगर आपको पसंद आया है तो आपको क्या करना है, अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक करना है, फैमिली फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि वो भी इस तरह की रेसिपीज अपने किचन में बना पाए। और साथ में कमेंट भी जरूर कीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। इसके अलावा बेल वाले आइकन पर भी क्लिक करना है ताकि जितने भी वीडियोस मैं डालती रहती हूँ उनके अपडेट्स आपको मिलते रहे। मेरा फेसबुक पेज भी है जिसे आपको लाइक भी करना है और साथ में इंस्टाग्राम ट्विटर पे आपको मुझे फॉलो भी करना है। थैंक यू सो मच।